Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel News Crayon. I hope you all are doing good. And so today I am here with my Gyanshala series, जो कि एक weekend series है, जिसमें हम आपको थोड़ा सा knowledge bite देते हैं, covering the trending news topic of the week. So yesterday I was reading a news about L&T, that L&T ने एक 2500 करोड़ का project back किया है for supplying 28 steel bridges. फॉर दिस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट. सो आई थॉट वाई नॉट मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस. काफी लोगों को पता है कि बुलेट ट्रेन आ रही हैं, बट कब आ रही हैं, कहाँ कहाँ इसके कॉरिडोर्स हैं, मतलब काफी इसके डिटेल्स हैं जो लोग नहीं जानते हैं. इनफैक्ट ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे भी इस प्रेजेंटेशन बनाने के दौरान ही पता चले. सो आई होप यू विल इंजॉय दिस प्रेजेंटेशन एंड ऑफकोर्स इट विल एनहांस योर नॉलेज. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो बुलेट ट्रेन का नाम लेते ही दिमाग में कौन सा कंट्री आता है? यस, इट्स जापान. तो हमारी बुलेट ट्रेन जापान के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, जिसमें जापान हमें E5 शिंकानसन प्रोवाइड करेगा, जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है. तो पहला कॉरिडोर कहां से बन रहा है, जिसपे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, दैट विल बी फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद. और इसका बनने का कॉस्ट होगा $15 बिलियन. ओके, और जापान हमें कैसे असिस्ट कर रहा है? इट इज फंडिंग अस ऑल्सो, कि जितना भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका 80% जापान हमें देगा एज अ लोन, जिसको कि हम कंप्लीशन के 15 इयर्स बाद जिसका रीपेमेंट स्टार्ट करेंगे, एंड द इंटरेस्ट रेट विल बी जस्ट 0.1%. और जो रीपेमेंट का टाइम है, दैट विल बी स्प्रेड ओवर 50 इयर्स. सो यू कैन सी दैट द टीएनसी ऑफ दीज लोन आर वेरी लीनियंट. सो इट इज अ गुड डील बेसिकली. ऑलराइट, और इंडिया ने इसके लिए NHSRCL बनाया है, दैट इज नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड. आप देख सकते हैं कि ये काफी नई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है अंडर रेलवे मिनिस्ट्री. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 12th of February 2016. और इसका ऑब्जेक्ट है जो इंडिया में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ना, उसको फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, उसका मेंटेनेंस, मैनेजमेंट देखना, वो सब इसके अंडर आएगा. तो इसको उसी ऑब्जेक्टिव के साथ इसको इनकॉर्पोरेशन में लाया गया है. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू दिस, वॉट इज दिस E5 शिंकानसन. ओके, so for this you have to look at this slide first. These are some of the world's fastest train. So if you see, the first one is Shanghai Trans Rapid. So a little bit of knowledge about this also, ki ye Shanghai Trans Rapid jo hai na, ye maglev transport system pe chalti hai, jisme ki technology jo ye use karti hai, that is about magnetic repulsion. Okay, aur isme jo hai na, trains jo train hai, it just glides above a track, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, इट जस्ट ग्लाइड्स बिकॉज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज ऑफ मैग्नेटिक रिपल्शन, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. ओके, एंड इफ यू लुक एट हियर, इफ यू लुक हियर, दैट इज एट नंबर 3, ये पूरी सीरीज है शिंकानसन. और इसमें काफी सारे इसके अलग अलग कोचेस हैं, E5, E6, H5, ये इसके अलग अलग यू कैन से डिविजन्स हैं, जिसमें से हमें E5 वाला सीरीज मिल रहा है. इसका डिटेलिंग मैंने यहां पर भी किया है आपके लिए. जैसे इसमें शिंकानसन क्या है, बेसिकली शिंकानसन जो है एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है, जो कि जापान में रन करता है. और इसे शिंकानसन को ना 5 जापानीज रेलवे ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके चलाता है. द एंटायर नेटवर्क इज फॉर बुलेट ट्रेन ओनली, बट डिफरेंस क्या है, जैसे 200 सीरीज है, E1 सीरीज, E2, E4, तो द डिफरेंस इज अबाउट द स्पीड एंड द नंबर ऑफ कोचेज. तो हमारा वाला जो ये सीरीज है ना, E5 सीरीज, इसमें हमें टोटल 10 कोचेस मिल रहे हैं. ऑलराइट, और शिंकानसन के बारे में एक बहुत ही ग्लेयरिंग सा फैक्ट है कि 50 साल से भी ज्यादा की इसकी हिस्ट्री है, जिसमें ये 10 बिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स इसको ट्रैवल करवा चुके हैं, एंड देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल पैसेंजर फेटेलिटी और इंजरी. कैन यू इमेजिन, 50 साल में एक भी अनप्लेजेंट इंसिडेंट नहीं आया है. तो कितना सेफ, कितना सिक्योर और कितना फास्ट ये नेटवर्क है, इट इज रियली अप्रिशिएबल. राइट, सो हमारा जो E5 सीरीज है कुछ ऐसा दिखेगा. वाओ, व्हाट अ ब्यूटी इट इज, इजंट इट. और ये उसके इंटीरियर्स हैं. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉरिडोर, यस, दिस विल बी फ्रॉम अहमदाबाद टू बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स. और ये इसके प्रोबेबल स्टॉप्स होंगे लाइक आनंद, वडोदरा, सूरत, विरार, थाने. एंड ये जो वाला पूरा लाइन है ना, दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड विद एंटायरली गवर्नमेंट फंडिंग. इसके लिए 100% गवर्नमेंट फंडिंग होगी. ऑल राइट, एंड द फर्स्ट सर्विस विल रन इन लेट 2023.
ये भी एक न्यूज़ का आर्टिकल था, जैसे यू नो कि पूरा 2020 तो कोविड पैंडेमिक में निकल गया, काफ़ी सारे लॉकडाउन्स भी थे, बहुत सारा क्लोजर था, इंडस्ट्रीज भी बंद थी, सब कुछ बंद था, बट गवर्नमेंट इज़ फर्म, वो बोलती है कि 2024 से ज़्यादा डिले नहीं होगा, इनफैक्ट 2024 के 2023 में ही ये जो है, लेट 2023 में ही ये गुजरात में बुलेट ट्रेन एक रन करवा देंगे, सो इट्स वेरी गुड इफ द डेडलाइन डजेंट एक्सटेंड बियॉन्ड 2023। सो यू कैन सी हियर द अदर प्रोजेक्ट्स आर दिस, दिल्ली अमृतसर, वाराणसी हावड़ा, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई हैदराबाद, मुंबई नागपुर, चेन्नई मैसूर। तो इसमें से जो ये थ्री दिल्ली वाले कॉरिडोर है ना, लाइक दिल्ली अमृतसर, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, ये प्रपोज हैं बनने के लिए इन अ प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, जैसे जो गुजरात और जो बॉम्बे वाला रूट है वो एंटायरली गवर्नमेंट फंडिंग से है, बट इसमें देर विल बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर स्टिल इन द पाइपलाइन। उनके लिए NHSRCL को बोला गया है कि आप एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करें कि उसका क्या प्रोबेबल रूट होगा, कैसे होगा। ऑल राइट, सो दिस वॉज द न्यूज दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन L&T बैग्स अप टू ₹2,500 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इसने जो है कोलैबोरेशन में लिया है विद जापान्स IIS, दैट इज IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स। सो बेसिकली जो 28 स्टील ब्रिजेस सप्लाई करने का काम है, दैट विल बी अ कंसोर्टियम ऑफ टू कंपनीज, वन इज L&T एंड द अदर वन इज IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स। और 28 ब्रिजेस जो स्टील ब्रिजेस जो प्रोवाइड करेंगे, तो बेसिकली देखना यह है कि वो कौन कौन सी साइड से क्रॉस ओवर करते हैं, दैट इज लाइक रोड्स, रिवर, रेलवे लाइंस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड NHSRCL बोलता है कि इन ब्रिजेस में अराउंड 70,000 मेट्रिक टन्स ऑफ स्टील लगेगा। सो यू कैन इमेजिन इट्स अ ह्यूज 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 अमाउंट। तो हमारी स्टील और उसकी अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए ये काफी बड़ा बूस्ट होगा। ओके, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ऑफ कोर्स, दो पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसके बनने के पहले के भी बेनिफिट्स हैं और बाद के भी हैं, सो लेट्स लुक एट देम। ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इट विल बी क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इट विल बी क्रिएटिंग 4,000 डायरेक्ट एंड 20,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी के लिए भी बूस्ट होगा, एंड इट विल पेव द पाथ फॉर क्रिएशन ऑफ कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्रीज, और हमारी रियल एस्टेट में काफी बूम आएगा। ओके, और बनने के बाद तो ऑफ कोर्स यू नो कि पीपल का, लोगों का टाइम, मनी, सब कुछ बचेगा, मोबिलिटी इंक्रीज होगी कि दो सिटीज और दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस काफी कम देर में ट्रैवल हो जाएगा, और ऑफ कोर्स हमारी जो गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, उसके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो आई एम एंडिंग माई प्रेजेंटेशन विद दिस, आई होप यू गेन्ड सम नॉलेज और आपको ये पसंद आया। प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड होप यू हैव अ गुड डे। ओके, See you tomorrow in my news analysis, the weekly news analysis, and Gyanshala में हम next weekend भी आपके लिए एक नई presentation लाएंगे। So till then, take care, stay good.